नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि कल से 9 मार्च व 10 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला आप सभी के बीच प्रस्तुत किया था, उसी क्रम में आज 11 व 12 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर सविस्तार आप सभी से चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया? तो पहला विकल्प है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। आइए इसकी विस्तार से व्याख्या जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान डिजिटल भुगतान अपनाओ औरों को भी सिखाओ, यह इसकी थीम है। थीम के साथ हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया गया, अर्थात हर पेमेंट डिजिटल जो मिशन है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसकी जो थीम है वह है डिजिटल भुगतान अपनाओ औरों को भी सिखाओ। लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जागरूकता सप्ताह 6 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 75 गाँव को गोद लेने और उन्हें डिजिटल पेमेंट सक्षम गांव में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल के तहत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर देश भर में इन गांवों को गोद लेंगे और डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और मर्चेंट्स को शामिल करने के उद्देश्य से इनमें से प्रत्येक गांव में 2 शिविर आयोजित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए है 108वां, 105वां, 101वां या 104वां। तो आइए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। विकल्प ए अर्थात 108वां स्थान। वी डेम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 डिफेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन के अनुसार भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI 2022 में 97वां और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स IDI 2022 में 108वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछड़ रहा है और चुनावी निरंकुशलता की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डे में स्थान दिया गया है? विकल्प हैं चेन्नई हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका विकल्प बी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ पुरस्कार के विजेताओं जो दुनिया भर में ग्राहक अनुभव के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों को पहचानते हैं की घोषणा की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डों में से एक के रूप में घोषित किया गया है। तो ACI के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छतम हवाई अड्डा है उसमें से आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को भी चिन्हित किया गया है, पहचाना गया है, उसमें रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है? विकल्प है आपके त्रिपुरा,
मणिपुर, नागालैंड, असम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी मणिपुर। याओसांग उत्सव मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं याओसांग उत्सव के बारे में और यह क्यों मनाया जाता है। मणिपुर में 5 दिनों तक चलने वाला याओसांग उत्सव शुरू हो गया है। यह उत्सव हिंदू मितेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान रंग खेलने के अलावा कई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी आयोजन होता है। यह त्यौहार हर साल मेइती चंद्र कैलेंडर के लामता अर्थात फरवरी और मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। याओसांग से तात्पर्य उस नन्ही सी झोपड़ी से है जो पूर्णिमा के अपरा काल में प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। अर्थात याओसांग जो है शब्द वह एक नन्ही सी झोपड़ी है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये नन्ही सी झोपड़ी जो मंदिर आकार में है और यह नदी या सरोवर के किनारे बनाई जाती है अपरा काल में। तो याओसांग उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है और यह फरवरी और मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। याओसांग से तात्पर्य एक नन्ही सी झोपड़ी है जो हर गांव या नगर में नदी और सरोवर के तट पर बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लेखा महानियंत्रक CAG के रूप में कार्यभार संभाला है। राजीव सिंह, SS दुबे, SP चौहान, अजीत सिंह। तो आपका इसमें सही विकल्प होगा SS दुबे। आइए देखते हैं ये कौन थे और इन्होंने कब कार्यभार संभाला है। श्री SS दुबे ने महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री दुबे जी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि यह 28वें नंबर के महालेखा नियंत्रक हैं SS दुबे। CGA के रूप में कार्यभार संभालने से पहले यह अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पद पर थे। तो CGA के जो प्रमुख हैं वो SS दुबे हैं और ये 28वें नंबर के हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र पौडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में अभी चुनाव हुआ है अपने नए पड़ोसी देश में। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं श्रीलंका, गुयान, नेपाल या फिजी के। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपका सी है, नेपाल। रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ के, नेपाल के। आइए व्याख्या जानते हैं। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 2008 में देश के गणतंत्र बनने के बाद से यह नेपाल में तीसरा राष्ट्रपति चुनाव था। अर्थात रामचंद्र पौडेल जो हैं वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। 2008 में नेपाल गणतंत्र हुआ था और ये तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। रामचंद्र पौडेल को संसद के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा वोट मिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समर्थ योजना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। विकल्प हैं आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महिला परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। तो यह जो समर्थ योजना है इसका पूरा नाम स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल्स सेक्टर, या टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह आपका विकल्प डी है, कपड़ा मंत्रालय। अर्थात समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। आइए इसकी विस्तार से व्याख्या जानते हैं। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। समर्थ अर्थात स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर,
योजना एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख छाता कौशल पहल है जिसका उद्देश्य संगठित कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना है। यह राज्य सरकार की एजेंसियों, कपड़ा उद्योग संघों और कपड़ा मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों जैसे कार्यान्वयन भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। भारत सरकार अब समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों को जोड़ने की योजना बना रही है। अर्थात जो समर्थ योजना है इसके अंतर्गत कई सारे जो आपके भागीदार हैं उनको जोड़ा जाता है और उन्हें स्किल्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है और वो ये लोग इस सेक्टर में अच्छा सा अच्छा वर्क करते हैं स्किल को लेकर। तो समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। इसका पूरा नाम स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेंटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? माधव नेशनल पार्क, मा स्टार्टिंग में ही आया है तो इससे हम जान सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, या इसकी ट्रिक है जानने के लिए कि माधव, मा अर्थात मध्य प्रदेश, माधव इंटरनेशनल, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव नेशनल पार्क को 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से नीलगाय, चिंकारा और हिरण पाए जाते हैं। अर्थात माधव नेशनल पार्क में नीलगाय, चिंगारा और हिरण पाए जाते हैं और इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सत्य सागर को 2022 में एक रामसर साइट नामित किया गया है। प्रत्येक वर्ष भर में कई स्थान को रामसर साइट के नाम से नामित किया जाता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक सत्य सागर है जिसे 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अनामिका, दया प्रकाश सिंह, कुमार विजय शुक्ल, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो आपका इसमें सही विकल्प है डी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। जो व्यास सम्मान है यह आपको हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। आइए इसके बारे में व्याख्या जानते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 श्री ज्ञान चतुर्वेदी, जो पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मध्य प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है और ये साहित्य से भी संबंध रखते हैं। और व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अर्थात साहित्य में योगदान जो देता है उसको सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तत्पश्चात जो दूसरे नंबर का सम्मान है वह आपका व्यास सम्मान है। और श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनकी कृति पागलखाना, यह उपन्यास है पागलखाना, के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। व्यास सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को 4,00,000 की नगद राशि और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। तो इसे भी जानकारी में रखेंगे कि यह 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया था और सम्मानित व्यक्ति को 4,00,000 नगद राशि और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। और ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? विकल्प है नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, नई दिल्ली।
खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के उपलक्ष्य में 10 से 21 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपके महत्वपूर्ण तीन बिंदु हैं कि खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट नई दिल्ली में हो रहा है और कहां पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और किस उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया है और यह 10 से 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिलाओं एथलीटों के लिए है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार से आपका यह 10 प्रश्न जो इस श्रृंखला में थे वो आपके पूरे हुए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करना ना भूलें। पिछली श्रृंखला जो करंट अफेयर 9 और 10 मार्च की थी, यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।